आप सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो वीडियो को इतना प्रेम दे रहे हैं। मैं मोहित कायथ हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद है सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी SSC का नोटिस भी आ चुका है। तो सीधी सी बात है, अब आप ये मत सोचना कि एक साल बाद पेपर होंगे, ना ना ना, अब पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ, बच्चों का रिव्यू ले रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ भूल गए, तो वो सारा का सारा याद कर लो, आपकी गाड़ी को वापस ट्रैक पर लेके आओ। तो इसी सीरीज में हमने स्टार्ट कर रखा है समय तथा कार्य, इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं और उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा चैनल जो हरियाणा कैंपस के नाम से है आपका है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम और ज़्यादा उत्साहित होकर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपका जो श्रेय मिल रहा है वो बड़े काबिले तारीफ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय तथा कार्य। अब ध्यान दें मेरी बात पे, आज का जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, क्लास में भी बच्चों से कई बार नहीं हो पाता, चैलेंज करके बोला जाता है कि ये अगर आप निकाल पाते हो। अब जो क्लास के बच्चे देख रहे होंगे वो समझ भी गए होंगे। तो क्वेश्चन लिखें, ए तथा बी किसी कार्य को, क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को 33 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 33 दिन में करते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 27 दिन बाद 27 दिन बाद ए छोड़ देता है, 27 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो काम 36 दिन में पूरा होता है, बताओ अकेला ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और एक बार ट्राई करें, क्योंकि क्लास में बोला जाता है कि आपसे नहीं होगा, जरूर एक बार ट्राई करके देख लें। और दूसरी बात, इस टॉपिक के बाद पाइप तथा टंकी वाला जब टॉपिक करेंगे तो सेम पर्सन बोलूंगा, तब भी नहीं होगा। मेरी विश यही है कि हो जाए। चलो देखें भाई क्या कहता है, ए तथा बी किसी कार्य को 33 दिन में करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 27 दिन बाद ए छोड़ गया, 27 दिन बाद ए छोड़ गया, तो काम हुआ 36 दिन में पूरा। अब मेरी बात पे ध्यान देंगे, ए तथा बी 33 दिन में काम कर सकते थे, उन्होंने 27 दिन तक काम कर लिया। अब अगर वो दोनों के दोनों आते रहते तो 33 माइनस 27 6 दिन और में पूरा काम कर सकते थे, हाँ या ना। अब देखो काम शुरू करते हैं, 27 दिन बाद ए छोड़ गया, अब अगर ए छोड़ गया तो कौन आएगा, बी आएगा, लेकिन जैसे ही बी आता रहा तो बाद में पता चला कि काम तो 36 दिन में पूरा हुआ। कहने का मतलब 27 दिन तक तो दोनों इकट्ठे आए हैं, उसके आगे केवल आया बी, मतलब के 36 माइनस 27 9 दिन, कौन, बी। दोबारा ध्यान देंगे मेरी बात पे, यहां पे जो मैंने काम लिया है वो शेष काम है, 33 दिन का ठेका था, 27 दिन तक कर चुके हैं, मतलब कितने दिन और लगते, 6 दिन और लगते, लेकिन लगे कितने, 9। यहां से एलसीएम लो, एलसीएम आया 18 3 2। अब ध्यान देंगे 18 इस पर्सन में कुल काम नहीं है, ये शेष काम है, तो पहले निकालो कुल काम, अब देखो कुल काम कैसे कहां से आएगा, कितने दिन का काम था, 33 दिन का, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3,
तो कुल काम कितना हो गया 99। अब किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो देखो कुल काम 99 है और जो ए है वो कितना समय लेगा, देखो ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम है 3, बी का है 2, बी का अगर मैं 2 घटाऊंगा 3 माइनस 2 1, कितना आंसर आ गया 99। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करें, उतार लें इसे। ए तथा बी 33 दिन में करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 27 दिन बाद ए छोड़ गया। अब काम क्या हुआ, 36 दिन में पूरा हुआ। चलो एक और देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहा। ए तथा बी किसी काम को मैंने मान लिया 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 19 दिन बाद ए छोड़ गया। अब काम अट्ठाईस दिन में पूरा हुआ, 28 नहीं, चलो 28 ले लो, कोई बात नहीं, 28 लोगे तो 19 सेम आ गया, 30 ले लो, 19 11 कोई नहीं, आप 30 ले लो, चल जाएगा काम। तो काम 30 दिन में पूरा हुआ, बताओ ए कितने दिन में करेगा। देखो अपने पास से स्टेटमेंट ली है मैंने, ये क्या है, ए तथा बी 25 दिन में करते हैं। भाई जब दो वर्कर बुलाए तो उन्होंने कहा जी हम काम को 25 दिन में कर देंगे, वे दोनों एक साथ 19 दिन तक आए। जब वो 19 की शाम को गए होंगे तो मालिक ने सोचा होगा कि 25 का ठेका था, 19 हो चुके हैं, 6 दिन और लगेंगे, कि ए तथा बी जिस काम को 6 दिन में कर सकते हैं उस काम को करने में बी ने कितने दिन लगाए। देखो बी ने 30 टोटल लगे, 30 लगने थे 25, 19 दोनों साथ हैं, 30 माइनस 19 कितने 11, क्लियर है, एलसीएम लो, 66 आ गया, 11 6, ये क्या है शेष काम, कुल काम नहीं है। कुल काम निकालो, कैसे निकालोगे, कितने दिन का ठेका था 25 दिन का, एक दिन में कितना करते हैं दोनों 11, 25 गुणा 11 275। अब काम किसे करवाना है, ए से, अगर ए से काम कराऊंगा तो देखो कुल काम 275 है और जो ए है वो एक दिन में दोनों मिलकर 11, बीच है 11 में से 6 गया 5, इतने दिन लेगा, मतलब एक दिन का काम 5 भाग करो 5 5 25, 2 5 5 5 25 आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, मैं पहले बता रहा हूं, और देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्टार मार्क कर लियो इसे, स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट, 5 स्टार प्रश्न है, 5 स्टार। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्वेश्चन रहा ए तथा बी, दिख रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में करते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, यदि दोनों एक दिन छोड़कर
एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि एक काम शुरू करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि ए शुरू करता है। मतलब के जो पहले दिन है वो काम पर आता है ए, क्या कहता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। अब देखो पहले कुल काम निकालूंगा, ए लेता है 7 दिन, बी लेता है 8 दिन, कुल काम एलसीएम 56, ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 7। अब पहले दिन कौन आया, ए, तो भाई पहले दिन आता है ए और कितना काम कर गया, 8, क्लियर है। दूसरे दिन कौन आया, बी आया और कितना काम कर गया, 7। क्या मैं कह सकता हूं के 2 दिन में 8 और 7 15 काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 15 काम। अगले 2 दिन फिर 15, अगले 2 दिन फिर 15, अगले 2 दिन फिर 15, इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा कि 2 दिन 15, 2 दिन 15, 2 दिन 15, ना। इस काम का गुणांक देख लो, जो 56 से छोटा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 क्योंकि ऊपर चला गया है इसलिए 15 तिया 45 लेऊंगा, कितने गुना हैं, 3 गुना, तो 2 तिया 6। कहने का मतलब कि 6 दिन में काम हो गया 45, 6 दिन में कितना काम हो गया, 45 हो गया। जो 7वें दिन है, 7वें दिन कौन आएगा, ए, कितना काम कर गया, 8, कितना काम हो गया, 45 और 8 53, कितने दिन हो गए, 7, क्लियर है, 7 दिन में 53 काम हो गया। अब 8वें दिन कौन आएगा, 8वें दिन आएगा बी और कितना काम करेगा, 7, लेकिन हमारा जो शेष काम है वो कितना रहता है, शेष काम 56 टोटल था, 53 हो चुका है, 3 रहता है। तो अब ध्यान देंगे भाई मेरी बात पे, 7 दिन पूरे हैं, 8वें दिन काम करना है 3 और बी कितना कर सकता है, 7, कितना आंसर आ गया, 7 से 3/7। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, बस मेरी बातों पे ध्यान देना भाई, क्वेश्चन को लेवल तक पहुंचाना मेरा काम है। प्लस में जो जो प्रीवियस ईयर में आते रहेंगे, जो जो नया क्वेश्चन आता रहेगा, उन्हें मैं जरूर ऐड करवाता हूं। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें, कमेंट बहुत जरूरी है, मस्ट है, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्लियर है। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, एक दिन छोड़कर एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इरेज कर दूं मैं इसे, क्वेश्चन मिला ए बी सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में करते हैं, तो ए
कितने दिनों में एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करे। अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको कल बताया था कि अब जो टाइप चलेंगी वो इसी तरीके की चलेंगी जिसमें एबीसी में कुछ भी शर्त दे सकता है। ये यहां से नया प्रश्न बन सकता है और वो अगर नया बनता भी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो बेसिक सीख लिया। अब मैंने आपको एक बात आई बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन, हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न मिले पहले दिन ए दूसरे दिन बी तीसरे दिन ए और सी, कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। बस बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। देखो क्या कहा, ए बी सी 20 30 60 एलसीएम कितना आया 60, कुल काम 60 आ गया। 20 दिया 60, 30 दुनी 60, 60 एकम 60, मतलब कि ए एक दिन में करेगा 3, बी करेगा 2, सी करेगा 1। अब हुआ क्या, ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, कहने का मतलब ए तो रेगुलर ही आएगा, लेकिन होगा क्या जब तीसरा दिन आएगा तब तो बी तथा सी भी उसके साथ आएंगे। कहने का मतलब पहले दिन कितना काम होगा, पहले दिन काम होगा 3, क्लियर है। दूसरे दिन फिर कितना होगा, दूसरे दिन भी होगा 3, लेकिन तीसरे दिन अब बी तथा सी आ चुके हैं तो ए बी सी तीनों मिलेंगे और 3 और 2 5 और 1 6, कहने का मतलब 3 दिन में काम होगा 6 और 3 9 और 3 12, लेकिन काम 12 नहीं करना, कितना करना है 60, 12 नहीं करना, करना है 60, कितने गुना है 12 पंजे 60, तो 3 पंजे 15 दिन लगेंगे और काम हो जाएगा। आंसर उतार लें इसे, समझ आया भाई ये। चलो एक और देखते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन मिला ए बी सी डी, किसी काम को 12 16 24 32, ए बी सी डी अपनी बार बंदे आ गए 4, ए बी सी डी किसी काम को 12 16 24 32 दिन में करते हैं तो बताओ ए कितने दिनों में करेगा, ए कितने दिन में करेगा यदि बी सी डी प्रत्येक दिन, यदि क्रमशः लिख लो, यदि क्रमशः बी सी डी प्रत्येक दिन उसकी मदद करें, उसकी मदद करें। मैंने क्या कहा, कर्मशः, कर्मशः का मतलब जैसे पहले दिन होगा, पहले दिन आएगा बी, दूसरे दिन ए के साथ आएगा सी, तीसरे दिन आएगा ए के साथ डी, मतलब पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी, तीसरे दिन ए डी। अब बेसिक से हमारा जो चीज सिखा रखी है, ए कितने दिन भाई 12 दिन, बी 16, सी 24, डी 32, एलसीएम कितना आया 96, 12 8 96, 16 6 96, 24 4 96, 32 3 96, एक एक दिन का काम आ गया। ए का कितना 8, बी का 6, सी का 4, डी का 3। अब पहले दिन
कौन आया? ए बी। कितना काम कराया? 8 और 6, 14। दूसरे दिन कौन आया? ए सी। कितना काम कराया? 8 और 4, 12। तीसरे दिन कौन आया? ए डी। कितना काम कराया? 8 और 3, 11। हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब क्या मैं कह सकता हूं कि 3 दिन में काम हुआ 14 और 12, 26 और 11, 37। क्लियर है? अगले 3 दिन फिर 37 होगा, मतलब के 6 दिन में कितना काम हो गया? 74 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? समझ पाए मैंने 74 से आगे क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अगर आप 37 जोड़ोगे तो 96 से ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे? देखो 74 और 7, 81, 81 और 3, 8, 111 हो गया। वो काम हमने 96 करना है बस। तो शेष काम टोटल 96 था, 74 हो चुका है। कितना बच गया? 6 में से 4 गया, 2, 9 में से 7 गया, 2। काम बचा 22। अब सातवें दिन क्या होगा? सातवें दिन कौन आएगा? ए और बी आएगा। कितना काम होगा? 8 और 6, 14 काम होगा। हाँ या ना? 74 और 14 कितना काम हो गया? 88 हो गया। क्षण में करना है। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, शेष काम क्षण में माइनस 88 कितना रह गया? 8 रह गया। अब अगर मैं बात करूं कुल समय की, ध्यान दियो भाई, 8 काम रहता है, दिन हुए हैं 7, 7 दिन तो हो गए कंप्लीट, रहता कितना है? 8। और आएगा कौन? ए तथा सी। कितना कर देंगे? 8 और 4, 12। इसे काट दो, 4 दुनिया 8, 4 3, 12। कितना उत्तर आ गया? 7 सही 2/3। समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करें। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। बाकी फिर कल का जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, जैसे आज वाला सबसे पहले वाला प्रश्न था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, जो गैप पैदा करते हैं। मतलब कि अगर कोई नया बच्चा एग्जाम में बैठता है तो वो ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाता। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसे ही वो प्रश्न मिलेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जो कल का प्रश्न होगा वो बहुत अच्छा प्रश्न होगा, कल की जो वीडियो में आएगा। तो आज के लिए यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप वीडियो को इतना प्रेम दे रहे हो। दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहें। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।